सूबे को लॉकडाउन करने के बाद कालाबाजारी का धंधा भागलपुर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले रात में सब्जी मंडी में कालाबाजारी का जो धंधा था वो सिल्क टीवी पर दिखाया गया था, और अभी जो है स्टेशन चौक के समीप आप देख सकते हैं किस तरह से डीलरों के द्वारा मनमाने ढंग से पैसा वसूला जा रहा है। लगभग एक बोरी चावल पर जो है 300 से 400 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है, और एक बोरी जो आटा है उस पर भी 300 से 400 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर जो आए हुए हैं लोग आए हुए हैं राशन लेने के लिए, आटा चावल लेने के लिए, उनमें आक्रोश है, वो लोग आक्रोशित हैं। कुछ लोग हैं हमसे, उनसे हम बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो है आए हुए थे, किस लिए आए हुए थे? हम आटा लेने आए थे नाथनगर से, चावल भी, लेकिन आटा दे रहे हैं चावल नहीं, चावल बोल रहे हैं कल देंगे, वो भी ब्लैक में। कितना दाम वसूला जा रहा है? वो अभी 350 रुपये का जिस आटे का दाम है उसका लिया जा रहा है 800 रुपया, जिसका 50 किलो का 1300 रुपया दाम है उसका लिया जा रहा है 1600 रुपया। पूरा ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरा ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग, पूरा ब्लैक में बेच रहे हैं। मतलब कह रहे हो एक सर्फ का पैकेट जो 50 रुपये के MRP है 55 रुपये में दे रहे हैं। पूरा मार्केट में ये देखिए ये आए हुए हैं, कैसे लिए? ये सर 1450 में पहले लेते थे हम लोग, और अभी 2000 रुपया लिया। तो ये जो कालाबाजारी है भागलपुर में सुबह को लॉकडाउन करने के बाद कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि अभी जो है लगभग 11:30 के लगभग जो है जिलाधिकारी जो है PC किए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने ये साफ आदेश दिया था, जिलाधिकारी ने आदेश दिया था, और जिलाधिकारी ने शहर के जो थे व्यवसायी वर्ग के लोग उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा था कि महंगा नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पर अनाज है वो महंगा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं स्टेशन चौक के समीप डीलरों के द्वारा किस तरह से मनमाने ढंग से जो है वो पैसा वसूला जा रहा है। लगभग एक बोरी चावल की कीमत में लगभग 300 से 400 रुपया ज्यादा लिया जा रहा है, खासकर आटा की जो बोरी है उसमें भी। और लोगों की शिकायत है, लोग आक्रोशित भी हैं, और लोगों की ये मजबूरी है क्योंकि सूबे में जो है राज्य में लॉकडाउन किया गया है। लोग जो है लॉकडाउन की खबर सुनकर लोग जो है काफी भयभीत भी हुए हैं, और जिसको लेकर लोगों में ये चीज लोग भयभीत इसलिए भी हुए हैं कि राशन को लेकर और इसको लेकर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है, और ये राशन लेने आए हुए लोग हैं, और इनका जो है यहाँ पर डीलर के द्वारा शोषण किया जा रहा है, और ये साफ तौर से कालाबाजारी है। इससे पहले जो है रात में सिल्क टीवी पर सीधी चीजें आपको हम खबरें दिखाए थे, जहाँ जो है हटिया से सब्जी मंडी में जो है कालाबाजारी की धंधा सामने आई थी, और वहाँ मनमाने ढंग से कीमत वसूला जा रहा था। आप थोड़ा जल्दी हमको आने दीजिए, हमको जाने दीजिए, हम जाइए हमको जाने। नहीं नहीं बाहर जाइए आप, हम सब बिल्कुल क्या 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 कहना। देखिए भैया, भाई साहब बात यह है कि 15 से 16 दिन का मामला है, और जिसका फैमिली लंबा है वो 25 किलो आटे में कैसे खाएगा 15 दिन, ये बतलाइए। कम से कम जिस घर में आटा दो टाइम में सब मिलेगा, एक पैकेट दो पैकेट आराम आराम से लीजिए सब मिलेगा। अब भीड़ से थोड़ा डिस्टेंस बना करके कृपया अंकल प्लीज। यहाँ जो है एक सेकंड यहाँ पे डीलर है, इनका क्या कहना है ये भी आप सुन लीजिए। सर लोगों का कहना है कि आप जो है एक बोरी पे 200 से 300 रुपए, नहीं नहीं लोगों का कहना, आपका क्या कहना? आप यहाँ मौजूद हैं, आप देखें हम क्या दाम में दे रहे हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, खुद देखिए भैया कि हम क्या दाम में दे रहे हैं। हम तो बोलने की क्या जरूरत है, आपका स्वागत। आप खड़े 32 रुपए दे रहे हैं आटा, 32 के भाव में दे रहे हैं, 32 रुपए हमको सबको देना है। रेट भी तो बढ़ाया है आपने, 32 के भाव में दे रहे हैं, या तो आप इनलीगल कर रहे हैं, ये 32 रुपए भाव दे रहे हैं। कल को आटा 20 रुपए था, आप 32 रुपए दे रहे हैं। आप अपना पक्ष रखिए, एक सेकंड आप अपना पक्ष रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमको सबकी सेवा करनी है, जो भी वो जब तक हमारे पास आटा है एक एक पैकेट हम सबको देंगे, लेकिन हम ज्यादा कैसे देंगे किसी को, नहीं तो लोग मायूस होकर चले जाएंगे। अच्छा लोगों की क्या मांग है? कोई 2 पैकेट चाह रहे हैं, कोई 4 पैकेट चाह रहे हैं, कोई 6 पैकेट, कोई 10 किलो दीजिए पर हेड, लेकिन रेट को हेड दीजिए। 10 किलो कहां से देंगे, हमरा तो काम ही नहीं है।
डीलरों का कहना है कि रेट नहीं बढ़ाया गया, लेकिन बाहर जो लोग हैं जो खरीद रहे हैं, पब्लिक का कहना है कि यहाँ जो है साफ तौर एक बोरी पर 300 से 400 ज्यादा रुपया बढ़ाया गया है। खासकर पब्लिक की जो है आक्रोशित है, लोग इस चीज को लेकर भी भयभीत हैं कि आखिर जो है इस तरह से ये देखिए ये अभी जो है यहाँ से क्या लिए हैं आप? आटा लिए हैं। आटा लिए? कितने की बोरी लिए आप? 1600 रुपए। 1600 रुपए की बोरी। पहले कितने? 1200। 1200। और ये केजी कितना है वजन? 50 केजी। 48 केजी। 50 किलो, ठीक है, एक बार माना 50 किलो है। 1600 रुपए का पहले 1200 का था, अब बताइए ना कि 40 रुपए किलो आटा खरीद करके लोग कैसे जिएंगे? खास करके उन लोगों का क्या हालत होगा जो रिक्शा चलाते हो या मजदूरी करते हो, जो ठेला चलाते हो? आज के टाइम पे उसके सामने रोजगार नहीं है, वो घर पे रहने पे मजबूर है, बात सच है, लेकिन कम से कम महंगाई की बोझ तो मत डालो उनपे। बिल्कुल सही। और हम आपको बता दें कि आज जो है 11:30 बजे भागलपुर के जो जिलाधिकारी हैं प्रणव कुमार, वो जो है व्यवसायी वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे, अभी भी वो पीसी कर रहे होंगे, और उनका साफ कहना था कि भागलपुर में महंगाई जो है, खासकर लॉकडाउन की जो खबरें आई है उसके बाद से भागलपुर में राशन सामग्री पर महंगाई नहीं होगी, जिसको लेकर वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन भागलपुर के स्टेशन चौक के समीप डीलरों के द्वारा जो मनमाने ढंग से वसूली किया जा रहा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कालाबाजारी। रात में भी सिल्क टीवी जो है सब्जी मंडी से, रात में भी सिल्क टीवी जो है सब्जी मंडी से खबरें दिखाई थी कालाबाजारी की, जिसके बाद से जो है जिला प्रशासन सक्रिय हुआ था, जिलाधिकारी ने बैठक की, और लेकिन फिर भी जिलाधिकारी के जो आदेश हैं, जो उनके उनका आग्रह है, वो जो है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, और स्टेशन चौक के समीप डीलरों के द्वारा मनमाने ढंग से जो है वो वसूली किया जा रहा है राशन के सामान में, साफ तौर पर ये कालाबाजारी है। अब जो है देखने वाली बात यह होगी, अब जो है देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर में कालाबाजारी पर कब तक रोक लगाया जाता है।